नमस्कार दोस्तों, क्या हो रहा है आजकल आपका? आइए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप YouTube, अगर आपका चैनल है उसको वॉच टाइम बढ़ा सकते हैं, उसको किस तरीके से आप प्रमोट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, तो बिना किसी देरी के चलिए देखते हैं। हेलो दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको गूगल खोलना पड़ेगा। मान लीजिए कुछ भी गूगल खोलिए, तो आपको उसमें गूगल में यूट्यूब खोलना पड़ेगा। यूट्यूब करने के बाद आपको साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन यहाँ पे होता है। साइन इन आपको करने के बाद तब जाके आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे यूट्यूब खोलिए। सबसे पहले आप यहाँ पे यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब खोलने के बाद आपको यहाँ पे साइन इन कोने पे दिखाई देगा, साइन इन आपको करना है। साइन इन करने के बाद अब आपको अपने जो वीडियो आपने अपलोड किया है उस पर आप जाइएगा। उस पर जाने के बाद मान लीजिए आपको यहाँ से कोई वीडियो है, आपको इसमें से किसी वीडियो को प्रमोट करना है, तो आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं? तो चलिए मैं एक वीडियो उठाता हूँ। यहाँ पे आप जाएंगे, ये है यूट्यूब स्टूडियो बीटा है। इसमें आप किस तरीके से आपको अपना YouTube वीडियो जहाँ अपलोड किया है अपना चैनल खोलना है। चैनल खोलने के बाद आपको इसमें सेलेक्ट करना है कौन सा आपका वीडियो आपको प्रमोट करना है। मान लीजिए मैं एक वीडियो है उसको प्रमोट करता हूँ, तो यहाँ पे आपको डिटेल है, यहाँ पे YouTube स्टूडियो बीटा है, यहाँ पे आप डिटेल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमें ये वीडियो मुझे प्रमोट करना है। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो इसके अंदर मटेरियल जानना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन टैग वो सब लगा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कोने में दिखाई देगा, यहाँ पे देखिए राइट साइड में सेव के पास दिखाई देगा ऑप्शन। ऑप्शन यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तीन बिंदी है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे डाउनलोड, डिलीट और प्रमोट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको सिंपल जाके प्रमोट पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रमोट पे क्लिक करेंगे तो ये एक नया टैब खुल जाएगा। ये टैब कुछ इस तरीके से होगा, गूगल ऐड। इसमें हो रहा है कि चॉइस यू ऐड विल अपीयर, चॉइस यू टारगेट लोकेशन, सेलेक्ट टारगेट ऑडिशन, सेट यू मस्ट बी स्पैन। ये आपको इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। तो हमको क्या करना है, इस तरीके से जब आपको खुल जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे देखेंगे गूगल ऐड लिखा है, योर विल प्रमोट योर वीडियो यूजिंग द गूगल ऐड। यहाँ से आप प्रमोट करें, यहाँ पे अपडेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे अपडेट स्टार्ट इसको क्लिक करेंगे, ये आपका साइनअप आप पहले से करे रहेंगे, ठीक है। इसका मतलब आप पहले से इसमें लॉगिन किए हैं यूट्यूब में, तो ये ऑटोमेटिक खुल जाएगा। लॉगिन नहीं किए हैं तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तभी आपको खुलेगा, या तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसे आप यूट्यूब वीडियो प्रमोट कर रहे हैं तो आपके पास ये सब ऑटोमेटिक ही रहेगा। तो जब ये खुल जाएगा तब इसमें देखिए ये कंपेन आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कंपेन आ रहा है, तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ गूगल ऐड का आएगा कंपेन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कई सारी कंपेन चलाए हैं। अगर आपको नहीं कंपेन चलाने आता है किस तरीके से किया जाता है, तो हम आपसे बहुत ही बढ़िया तरीके से और बहुत ही प्रॉफिट बताएंगे, कम पैसे में आपका वीडियो ज़्यादा प्रमोट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप देखते हैं, यहाँ पे देखिए मेरा न्यू कंपेन आ गया। आपको इस तरीके से कुछ डेस्क बॉक्स दिखाई देगा, तो मैंने पहले भी इस पर रनिंग किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हैं, टूल सेटिंग देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं किसी प्रकार का। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल न्यू कैंपेन पे क्लिक करना है। आपको न्यू कंपेन बनाना है। अगर आप पहले से बनाए और रन करना चाहते हैं तो आपको पुराने कंपेन पे ही रन कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ देर बाद ही आपको खुल जाएगा न्यू कंपेन। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल करना है, लीड करना है, या वेबसाइट ट्रैफिक है, प्रोडक्ट एंड ब्रांड है, ब्रांड ए बोर्ड एड ऑडियंस का बिल्ड है, या ये किसी आपको इस तरीके से करना है। तो हमें क्या करना है, अभी ट्रैफिक लाना है, ठीक है। तो हमें इस पर ट्रैफिक लाना है या सेल करना है, तो ये जो भी आप कर सकते हैं। इसमें डिस्प्ले शॉपिंग वीडियो स्मार्ट डिस्कवरी ये सब होता है कैंपेन का। लीड में डिस्प्ले शॉपिंग वीडियो स्मार्ट कैंपेन टाइप्स द राइट टू विजिट योर वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पर हमको वेबसाइट ट्रैफिक से आप क्लिक कर सकते हैं, सिंपल होता है। अब यहाँ पे पूछेगा कि आपको क्या करना है, ये यहाँ पर पूछेगा कि कैंपेन कहाँ करना है, सर्च पे करना है, डिस्प्ले शॉपिंग या वीडियो या डिस्कवरी। हमें यहाँ पे वीडियो पे करना है, ठीक है, वीडियो पे आएगा। और करने के बाद हमें यहाँ पे कर देना, ठीक है। यहाँ पे जैसे करेंगे प्लीज सेट अप कन्वेंशन ट्रैकिंग, आपको पहले यहाँ सेटअप करना है कन्वेंशन ट्रैकिंग पे, तब यहाँ पे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, वेबसाइट है, ऐप है, फोन कॉल है, तो आपको यहाँ पे वेबसाइट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब आपको फिल करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कैटेगरी क्या है आपका, तो परचेस एड कार्ड, बिगिन चेकआउट, सब्सक्राइब करना है, या कॉन्टेंट सबमिट, बुक अपॉइंटमेंट, चैनल रिक्वेस्ट, ये सब आपको करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका यूट्यूब चैनल है, ठीक है। यहाँ भी सब्सक्राइब, कन्वर्सन नेम सब्सक्राइब कर दिए। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है वैल्यू यूज द सेम वैल्यू यूज कन्वर्सन, यूज डिफरेंट वैल्यू यूज कन्वर्सन, डू नॉट द कन्वर्ट एक्शन नॉट द कन्वर्ट। इसमें से आपको यूज द डिफरेंट वैल्यू यूज द सेम वैल्यू कन्वर्सन, सेम वैल्यू मान लीजिए एक रुपये है, आप इसको डिफरेंट वैल्यू करेंगे कभी एक रुपये हो गया। फिर बोला है कि हाउ टू कन्वर्स काउंट पर क्लिक इंटेक्स वन,
आप इस पर कर दीजिए कि रिकमेंड द परचेज बिकॉज एवरी परचेज इन द वैल्यू, जैसे आप आके बार बार सामान खरीदेगा तब उसको देंगे, उस पर क्लिक मारेंगे क्योंकि एक ही बार जब देगा तभी करेंगे, तो मैं एक ही बार कर रहा हूँ उसके में। अब 30 दिन एक दिन किसके लिए तो कर सकते हैं आप, 30 दिन के लिए कर सकते हैं जो आप कन्वेंशन में डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप बढ़िया से इसको रन करा सकते हैं। इंडियन रुपीज़ मैंने एक डाला है, ठीक है, एक बहुत ही सिंपल है, इसमें लॉकडाउन का फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर 30 दिन, यहाँ पर एक दिन आप सेट कर सकते हैं, यहाँ पर कन्वेंशन लास्ट क्लिक ये भी आप देख सकते हैं रिपोर्ट। उसके बाद क्रिएट डा एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज द गूगल मैनेजर, यहाँ पे किस तरीके से आप उसको इंस्टॉल द योर सेल्फ एट द टेक योर द वेबसाइट टू ईमेल आप योर वेब में इंस्टॉल यू गूगल ऐप मैनेजर, तो आप इसमें से कुछ भी कर सकते हैं। तो आप कर लीजिए गूगल मैनेजर, बहुत ही बढ़िया होता है, कन्वर्स ये सब होता है बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे आप वेबसाइट है तो उसको भी कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए आपने। अब आपका कंपेन रन हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, 30 दिन हो गया, ठीक है, यहाँ पे ऑल काउंट हो गया, यहाँ पे आपका एक एक दिन होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है और आपका कंपेन रन करेगा 30 दिन के लिए।